हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ना कोई मेहनत ना ज़्यादा टाइम। आज हम बनाएंगे बैगन भाजा। बंगाली में इसे बैगन भाजा कहते हैं। बैगन भाजा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं लगता है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बैगन लिया है। बैगन को हम अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसे हमें गोल गोल काटना है, और ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। ज़्यादा मोटा काटने से बैगन हमारे अच्छे से पकता नहीं है। ज़्यादा पतला काट दीजिएगा तो वो खाने में बिल्कुल ही टेस्ट नहीं लगता है। इसलिए फ्रेंड, हमें इसे मीडियम साइज में कट कर लेना है, गोल गोल। बैगन को हमें देख के अच्छे से कट करना है। सारे बैगन को हमने इस शेप में काट लिया है, अच्छे से धो भी लिया है फिर से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी, इससे टेस्ट हमारे बहुत ही अच्छे आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमकीन मीठा दोनों ही टेस्ट आता है इसमें। अब हम इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोनों साइड से हल्दी, नमक, चीनी दोनों साइड से हमें अच्छे से मिक्स करके इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि बैंगन में हमारा नमक और हल्दी अंदर जा चल जाए। 10 मिनट हमने रेस्ट में रख दिया था। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे सरसों का ऑयल। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, और गैस का फ्लेम को हमें लो कर देना है। अब हम इसमें धीरे धीरे साइड से बैगन को डाल देंगे। थोड़ा देर बाद हम बैगन को उलट पुलट कर निकाल लेंगे। एक साइड से बैगन हमारी अच्छे से पक गई है, दूसरे साइड भी हमें अच्छे से पका लेना है। दोनों साइड बैगन हमारे अच्छे से पक गई है। अब हम इसे साइड करके निकाल लेंगे। साइड से निकालें ताकि तेल हमारा निकल जाए। दोनों साइड बैगन हमारे अच्छे से पक गई है। आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड? अच्छी लगी तो वीडियो को